गाइस, ये जो गाड़ी है ये हमने खुद ने गंदी करी है। पता है क्यों? आज हम लोग एक हाई प्रेशर वॉशर बनाने वाले हैं, और इतने सिंपल तरीके से, इतने आसान तरीके से कि आप लोग भी भाई वाह, आप लोग भी भाई वाह, क्या मस्त चीज बनी है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ये चीज आप भी बना सकते हो, तो बिल्कुल आप ट्राई भी कर सकते हो। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बस हमको तो आपसे सिर्फ इतना चाहिए। तो शुरू करते हैं अब। तो गाइज, यहाँ पर जो है गाड़ी से मन नहीं भरा, तो एक स्कूटी भी हमने देखो बढ़िया से गंदी कर ली है। जितनी गंदी हो सकती थी उतनी गंदी कर ली है। तो इसको तो साइड में खड़ा कर देते हैं। और हमारा ये पता है इसमें गियर नहीं होता, ये ऐसे ही भागती है। तो यहाँ इसको खड़ी कर देते हैं। और अब आते हैं सामान की लिस्ट पे कि हमको क्या सामान चाहिए हाई प्रेशर वॉशर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमको हमारी बॉटल्स कैसे गिर गई, हमको चाहिए एक पीवीसी पाइप। ये फिर गिर गई। हमको चाहिए एक पीवीसी पाइप जो कि हम यूज़ कर रहे हैं 1 इंची का, यानी कि 0.75 इंचेस का। साथ ही साथ में हमको 4 टीज चाहिए इस तरीके की, 1 हमको चाहिए बॉल वाल, 3 हमको चाहिए इस तरीके के एंड कैप, कुछ हमको चाहिए सील एंड, कुछ हमको चाहिए क्लिपर्स, एक ये जो हमारे पास में सिलिकॉन भी है, आपको इसका यूज़ बताऊंगा, ये भी यूज़ आएगी। साथ में हमको एक पाइप चाहिए जो कि हमारे इन पाइप से इन चीज़ों से मैच करता हो, इतनी ही मोटाई का हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है एक इस तरीके का 20 लीटर का वाटर टैंक। तो फटाक से बनाना शुरू कर दे। हाँ, 2 बॉटल्स भी चाहिए यार, छोटे छोटे सामान बहुत सारे हो गए। तो शुरू करते हैं अब। दोस्तों, यहाँ पर इस बॉटल के अंदर मैंने एक होल किया है ताकि इसमें हम पाइप को घुसा सके। तो अब जो है पीवीसी पाइप को काटते हैं। तो भाई, यहाँ पर हमने इन प्लास्टिक पाइप्स को काट दिया है और अब है पारी इनको चिपकाने की। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस टी में। लेकिन भैया, यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ में हम डील कर रहे हैं तो पानी लीक कर सकता है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे इस इजी क्रिएट फैब सील का। ये जो है एशियन पेंट का प्रोडक्ट है। इस तरीके की पैकेट्स में आता है, आपको जो है 2 इस तरीके की ट्यूब्स मिलेंगी या फिर इस तरीके की पैकेट्स मिलेंगे। इन दोनों में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, एक में मिलेगा रेजिन, एक में हार्डनर, दोनों को आपस में मिक्स करना होता है बढ़िया से। तो इनको बढ़िया से मिक्स करके मिला लेते हैं। तो भाई, यहाँ पर हमने इनको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हमें जिन चीज़ों को चिपकाना है उसके ऊपर थोड़ी सी सैंडिंग करनी है, यानी कि हल्का सा रेगमाल लगाना है और इसको इसके अंदर डाल के अब इस पे लगाना है ये इजी क्रिएट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ और जिस भी शेप में लगाना है, तो यहाँ पर हमको इसको जो है इस तरीके से लंबा करना पड़ेगा ताकि ये पाइप के चारों तरफ आ जाए। और यहाँ पर इसको लगा देते हैं एकदम बढ़िया से। और अब जो है यहाँ पर लीकेज की टेंशन खत्म हो चुकी है, इसको जो है दबा देंगे। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है इसको आप ऑलमोस्ट किसी भी हार्ड सरफेस जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, सिरेमिक के ऊपर यूज़ कर सकते हो और जो आपका लीकेज है वो नहीं होगा और साथ ही साथ में ये चिपकाएगा भी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी डाला है, आप भी जो है इजी क्रिएट को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एशियन पेंट के द्वारा गिव अवे भी है 5,000 रुपये के वाउचर का। सिंपली आपको क्या करना है कि आपके ये जो इजी क्रिएट है क्या काम आ सकता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर इसके बारे में 3 कोई भी अच्छी बातें बतानी है और आप जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए। तो अब हम जो है सारी चीज़ों के ऊपर उसको लगा देते हैं ताकि लीकेज नहीं हो। तो गाइज, यहाँ पर अब ये सिस्टम देखो तैयार हो चुका है, बढ़िया से एकदम मजबूत हो चुका है। अब हमको ये जो बड़ी बॉटल है इसका ढक्कन लेना है और इसमें लगाना है एक इस तरीके का बाइक का वॉल्व। और यही जो है सबसे कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पर इस पेंच को मैं खोल रहा हूँ और इसके अंदर इसको डाल रहा हूँ अंदर की तरफ से, और इसको जो है बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो यहाँ पर ढक्कन वॉल के साथ तैयार है, इसको लगा देते हैं इसकी जगह पे। और अब बारी है बॉटल्स लगाने की। इन 2 होल्स में, इन 2 टीज में लगेंगी बॉटल्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से। बोतल को ढक्कन खोल करके लगाना है, तो यहाँ पर लगा देते हैं और इनको फिक्स कर देते हैं। तो गाइस, हमने सोचा कि अब आपको पूरा स्ट्रक्चर ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि पूरा जो हाई प्रेशर वॉशर है उसका यहाँ पर सिस्टम तैयार है। यहाँ पर हमने बड़ी बोतल लिया, 2 छोटी बोतल हैं, ये जो दोनों हैं ये स्टैंड का काम करेंगे। बहुत सारे टीज, बहुत सारे पाइप लगा करके ये बनाया है। यहाँ पर एक क्लिप लगा के लंबा मोटा पाइप लगाया है और लास्ट में जो है हमने यहाँ पर एक बॉल वॉल लगा के एक नोजल लगाया देखो, और यहाँ से निकलेगा पानी। तो अब आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले भैया, धोने के लिए क्या चाहिए? पानी। तो इसमें डालना पड़ेगा पानी। तो यहाँ पर जो है पानी डालते हैं फटाक से।
बस 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 भर गया। थोड़ी सी जगह छोड़ी है मामूली सी, क्योंकि जो पाइप है उसमें भी काफ़ी जो है अभी पानी भरेगा। तो ढक्कन को कर देते हैं बढ़िया से बंद, जो वॉल्व है उसको खोल देते हैं ताकि पाइप में थोड़ा सा पानी भर जाए और थोड़ा प्रेशर जो है हमारा सेव रहे। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो कि इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है, देखो। लेकिन यार इतने से पानी जो गाड़ी है वो तो नहीं धुलेगी, और साथ ही साथ में जैसे इसके लेवल से ऊपर जाएगा पानी आना बंद हो जाएगा भले ही वॉल्व चालू रहे। तो अब हमको इसमें प्रेशर लगाना है। सिंपली एक जो साइकिल में हवा भरने का पंप होता है इसकी मदद से हम वो कर सकते हैं। ओए ओए पानी निकल रहा है, इसको बंद करना ज़रूरी है पहले। और अब जो है इसमें लगा देते हैं दो पंप, दो थोड़ा। तो भाई अब जो है इसमें हवा भरते हैं, दो। और यहाँ पर आप लोग देखो कि इन बॉटल्स में जो पानी है वो ऊपर आ रहा है, इसमें जो हवा भर रही है इनमें पानी ऊपर आ रहा है। ये जो बॉटल्स है ये इंडिकेट करेंगी जो प्रेशर है वो कितना है। जितना ऊपर पानी होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर होगा और ये उतना ही बढ़िया से काम करेगा, देखो। और साथ ही साथ में इस टैंक को ये फटने से भी बचाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ जो है पानी आ जाएगा। बस 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 बस। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या हुआ है। तो भैया ऑन करूँ वाल को, वो ओए ओ तेरी अबे ओ भाई अबे कितना दूर फेंका इसने, देखो इधर मार के दिखा। गाइस अबे यार इसने इतना ज्यादा प्रेशर लगाया था बट यहां से ये निकल गया। ओहो देखो यहां जो है हमने ये इस तरीके की एक क्लिप लगाई थी, ये क्लिप आई थिंक इतनी टाइट नहीं थी तो इसको फिर से लगाते हैं, लेकिन यार जबरदस्त प्रेशर आया था। तो भाई एक बार फिर से हमने यहाँ पर क्लिप्स को लगा दिया है और फिर से जो है प्रेशर इसमें दे रहे हैं तो पानी ऊपर आ रहा है। तो अब है इसको अप्लाई करने की बारी, स्कूटी को साफ करते हैं पहले। लाओ स्कूटी लाओ इधर। तो भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्कूटी है उसको हमने पूरा गंदा करने की कोशिश करी है, देखो यार जितना हमसे हो सकता था। तो अब हमारे प्रेशर वाल्व को चालू करते हैं, हमारे हाई प्रेशर वॉशर को, और देखो ये कहाँ पर फेंकता है। तो अब देखते हैं वो क्या बात है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो इतना है कि देखो मिट्टी को उड़ा देता है सीधा, और देखो यहाँ पर कितनी मिट्टी है और इसके प्रेशर से जो मिट्टी है वो यहाँ से हट जा रही है। वाओ। और गाइस यहाँ पर पता है हम इसको जो है कुछ इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं, जब भी प्रेशर चाहिए ऑन डिमांड यहाँ पर देखो आ जाता है। क्या बात है, ओए कैमरे में पानी नहीं घुस जाए ध्यान रखना। तो भाई अब हमारी जो स्कूटी है वो आप देख सकते हो कि काफी हद तक साफ हो चुकी है, यार एकदम साफ ही हो गई है। और पता है एक फायदा और है यहाँ, बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा कि इसमें देखो जो पानी निकलता है दैट इज वेरी लिमिटेड, इसमें जो है बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा नहीं निकलता। तो आप लोग देखो जितना चाहिए उतना ही निकलता है, यानी कि जो पानी है वो वेस्ट नहीं होता। भाई पानी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी गाड़ी को तो धोएगी, इसको धो सकती है, साथ ही साथ में पानी बचाने में भी मदद कर सकती है। तो अब जो हमारी गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं, और देखो हमने जो है इतनी बड़ी यहाँ पर ये नलकी लगाई है, और इसको इधर कर लेते हैं और सीधा गाड़ी के पास ले आते हैं। थोड़ा पंप दे दो, थोड़ा प्रेशर बना दो, देखो उसमें जो है अभी प्रेशर है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा और हमको जो है चाहिए होता है जैसे जैसे पंप जाता है ये ऊपर आता है। तो अब जो है गाड़ी पर डालते हैं और देखते हैं, यार ज़्यादा मिट्टी डाल दी तुम लोगों ने यार देखो। और भाई यहाँ पर पता है हमारे हाथ भी गीले नहीं होते इससे, और तेरी फिर से छींटे लग गए ऊपर, ये जो है प्रेशर जब लगाता है तो छींटे भी मारता है। गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितना दूर तक इसका फ्लो जा रहा है, लगभग यहाँ से वो 30 फीट है आप, यानी कि कैमरा 30 फीट है और वहां तक फ्लो जा रहा है। ओ शिट। तो गाइज यहाँ पर जो गाड़ी है वो प्रेशर की मदद से काफी हद तक साफ हो चुकी है। अब आपको एक बात बताऊं, गाड़ी हमेशा सिर्फ इससे साफ नहीं होती, थोड़ा सा इस पे कपड़ा भी लगाना पड़ता है, फिर धोना पड़ता है, शैम्पू सर्फ डिटर्जेंट वगैरह भी लगाना पड़ता है। लेकिन आप देखो कि सिर्फ इस छोटे से डिवाइस से भी ये इस हद तक साफ हो चुकी है, हमने इसको खूब गंदा किया था। और यहाँ पर आप देखो कि एकदम बढ़िया से सारी चीजें जो है काम कर रही है। ये है टैंक, इसमें देखो पानी जो है वो अभी भी सारा खत्म नहीं हो पाया है, यहाँ पर प्रेशर बढ़िया से इंडिकेट हो रहा है और जो पूरा सिस्टम है वो बढ़िया से काम कर रहा है। तो गाइज
आपको मैं सच्चे बताऊं तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही तगड़ा कार वॉशर बन गया, यानी कि मतलब आप इसको लो और सारी टेंशन खत्म, ऐसा नहीं है। लेकिन यार एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया है जो कि यार सोच के थोड़ा अच्छा लगता है कि सिर्फ प्रेशर की मदद से किस तरीके से हम एक नॉर्मल पानी जो हमारे घर में रखा हो उसको प्रेशर देके एक चीज़ में क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस हम जो है कुल मिलाकर एक प्रेशर वॉशर बना सकते हैं सिंपल चीज़ों से। और आप देख सकते हो रिजल्ट यहाँ पर है, बिना कपड़ा मारे बिना शैम्पू वैम्पू लगाए। तो अगर आपको मज़ा आया इस आइडिया में और इस वीडियो में तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ज़रूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यहाँ पर देखो एक बार फिर से आपको इसका प्रेशर दिखाना चाहूँगा। ओह अब यार इसमें एक चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, पता है कि इसमें जो पानी है ना वो थोड़ा कम आता है, तो इसकी वजह से धोने में जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन बात वही है भाई, अब कोई ना कोई चीज़ अगर अच्छी करेंगे पानी बचाएंगे तो टाइम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। चलो बाय बाय।